हम लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम ये जाने कि ईश्वर क्या है। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने ये बताया कि साइंस भी ये मानती है कि एक अज्ञात शक्ति है जो इस संसार को चलाती है और इसकी रचना करती है। आप देखें कि हर जाति का जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर उस प्राणी की पूरी रचना कि उसका शरीर कैसा होगा, रंग कैसा होगा, दांत कैसे होंगे और नाड़ियां कहाँ होंगी, ये सब छिपा रहता है। एक बीज है, उसके अंदर ये छिपा रहता है कि कौन सा पेड़ होगा, कितनी ऊंचाई होगी, पत्ते कैसे होंगे, किस ऋतु में फल आएंगे और फल कैसे होंगे, मीठे, खट्टे, कड़वे। और जब कोशिका में अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो साइंस भी मानती है कि एक अज्ञात अद्भुत शक्ति है जो ये सब रचना करती है और चलाती है। तो मनुष्य ने इन अनंत शक्तियों के समूह को ईश्वर कहा। वो ऐश्वर्य वाला होने के कारण उसको ईश्वर कहा गया। और ये प्रत्येक पदार्थ में सूक्ष्म रूप में छिपा रहता है और अनुभव ज्ञानियों के लिए वो ज्ञात है, और जो अंतर की साधना नहीं करते उन मूर्खों के लिए वो अज्ञात है। और ईश्वर दो रूपों में रहता है, वो साकार भी है, निराकार भी है, वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। जब वो तीनों गुणों सत, रज और तम से परे त्रिगुणातीत होकर निर्विकार रूप में दृष्टा रहता है तो वो निराकार और निर्गुण कहलाता है। और जब वो सृष्टि की रचना करते हुए किसी रूप में स्वयं को प्रकट कर देता है तो वो साकार और सगुण कहलाता। कपिल मुनि ने कहा है पुरुष विशेष ईश्वर, कि जिस पुरुष में वो विशेष शक्तियां प्रकट हो जाती हैं वही ईश्वर है। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि हमारा भी यही मत है कि गुरु ही ईश्वर होता है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तू केवल एक मुझे ही मान, मुझे ही नमस्कार कर और मेरी ही पूजा कर और अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर मेरी इच्छा वाला मन मना भाव। तो हम जब किसी महात्मा के पास जाते हैं तो हमारी भी इच्छा करती है कि हम भी उनकी भांति लक्ष्य को प्राप्त कर लें, सारे संकल्प छूट जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में एक नई इच्छा आ जाती है कि हम भी उन्हीं की तरह मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। तो उन्होंने बताया कि चाहे ईश्वर दर्शन की इच्छा ही हो,
उस यद्यपि श्रेष्ठ है लेकिन है तो इच्छा ही। तो लोग पढ़ लो कि जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब जाकर हमें ईश्वर दर्शन होता है। और ये नियम है कि जब हम बाकी सारी इच्छाओं को छोड़कर किसी एक इच्छा पे एकाग्र करते हैं तो चाहे सांसारिक कार्य हो चाहे पारमार्थिक, उसमें सफलता शीघ्र मिलती है। तो पहले हम एकाग्र होकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और आगे मन के निर्मल होने पर उस इच्छा को भी त्याग हम इच्छा रहित गुरु की इच्छा में अपना जीवन व्यतीत करते। और इस मार्ग में चलने पर जो मान प्रतिष्ठा है उसमें लोग हमें फंसाते हैं। कोई भगत जी कहने लगता है, कोई महात्मा, कोई ब्रह्मचारी, कोई मुनि कहता है। तो गुरु महाराज ने बताया कि तुम गुरु मत बनो, मुनि मत बनो, तुम सच्चे मानव बनो, क्योंकि मानव ही ईश्वर दर्शन का अधिकारी है। कि बनावट से दूर रहो, कि जो बनेगा वो ही बिगड़ेगा। इसीलिए परम पूज मजले भैया कहते थे कि बनावट या डबल करेक्टर से दूर रहो। और जहां तक अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छा में मिलाने की बात है, तो आपने रामाश्रम सत्संग के जिस भी किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त किया तो आपने देखा होगा कि उनकी स्वयं की किसी की कोई इच्छा नहीं। तो ये जो दो वस्तुएं हैं, एक ज्ञान है और एक धन, जो धन का बोझ है वो सर पर रहता है और जो ज्ञान का बोझ है वो हृदय पर रहता है। तो सर का बोझ त्यागना तो तब भी सरल है, लेकिन जो भीतर का बोझ है उसको त्यागना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो ज्ञानी है उनको ईश्वर दर्शन कम ही हो पाता है। कहा गया है कि ज्ञान का पद खड़क की धार, गिरत खगेश न लागे वार। और जो धनवान है, ज्ञानवान है, इनका आपसी रिश्ता भी है। जो धनवान है वो ज्ञानवान को खोजता है और जो ज्ञानवान है वो धनवान को खोजता है। आज के समय में जो ज्ञानवान है वो धनवान की खोज में ही लगा है। और जहां तक दर्शन की बात है तो उन्होंने बताया कि नेत्रों से देख लेना एक दर्शन है, और एक दर्शन ये है कि हम उस वस्तु को अच्छी तरह उसका वास्तविक रूप जान जाए, पहचान जाए। जैसे तत्व दर्शन, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन आदि। और ये नेत्र ही देखते हैं ये भी सत्य नहीं है। अगर केवल नेत्रों से ही हम वस्तु को जान जाते तो अनपढ़ व्यक्ति पुस्तक पढ़ लेता और अनपढ़ ज्ञानियों की भांति दोहे और ज्ञान की बातें करने लग जाता। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी वो उस प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त। वो जो सूक्ष्म हैं उनको तो हमारी
जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान को सूक्ष्म इंद्रियों को देती हैं, जो मन बुद्धि अहम, तो ये सूक्ष्म इंद्रियां ही ज्ञान को प्राप्त करती हैं और उस ज्ञान को दूसरों को देती हैं। तो ये जो हमारे नेत्र हैं वो अग्नि से बने हैं और इससे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको वो नहीं देख सकती, जैसे वायु और आकाश। तो जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं आपका वास्तविक रूप नहीं देख पा रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दिव्यम ददाति चक्षु, कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तुम मेरा वास्तविक रूप देख पाओगे। और आपने सुना है कि गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती, कि गुरु के जो प्रकाश में उसके सुमिरत में हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो यही कार्य अभी हम लोगों ने किया। तो जब हम गुरु के प्रकाश में लय हो जाते हैं तो ना तो हमें अपना ध्यान रहता है, न प्रकाश का ध्यान रहता है, न गुरु का ध्यान रहता है, न ध्याता ध्येय और ध्यानना, इन तीनों का लोप हो जाता है। तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो इनमें कई तरह की समाधियों से गुजरते हुए इस अवस्था में हमें ईश्वर दर्शन प्राप्त होता है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि हमारा मन तो ध्यान में लगता ही नहीं है। एक विचार छोड़ते हैं दूसरा विचार पकड़ जाता है, तो कब हम निर्विचार अवस्था में पहुंचेंगे, कब समाधि में पहुंचेंगे? तो इसके लिए परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि वो हमारी सुरती की धार अपने में मिलाए रखे, ताकि हम भी इन सारी स्थितियों को प्राप्त कर सकें। तो 2 मिनट आंख बंद कर परम पूज गुरु महाराज का ध्यान करें और उनको ये नैवेद्य अर्पण करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि वो हम सबको इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम उनके बताए मार्ग पर चल सकें। बस।